वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि रेलवे टिकट कंफर्म किस प्रकार से बुक करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा इंटरफेस जैसा गोला किया हुआ है, उसके बाद ओपन कर देना है। जैसे हम ओपन कर देते हैं, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में आना है क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया। प्रोफाइल में आके अपना लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर से। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर से वो लॉगिन कर दें तो ऊपर आप मोबाइल नंबर और आपका नाम जो आप भरेंगे वो आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार से करते हैं। इसमें ऑप्शन है, आप देख सकते हैं दूसरा नीचे ऑप्शन है आईसीटी अकाउंट। इसमें अपनी अकाउंट की जो आईडी है, रेलवे की आईडी जिससे आप टिकट बुक करते हैं हमेशा, वो आपको इसमें सेव करनी है। बाद में पासवर्ड मांगेगा जब आप पेमेंट कर देंगे लास्ट में। उसके बाद सेव पैसेंजर, टिकट बनाने से पहले अपने जो पैसेंजर हैं उनको आप सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी तत्काल टिकट बुक करने में, क्योंकि उसमें जल्दी ही टिकटें ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए आपको पहले से ऐड करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। उसके बाद ऐप लैंग्वेज है, माय रिव्यू है। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रेलवे आईडी डालनी है। इस पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये गोला किया हुआ है, ये आईसीटी अकाउंट, इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आपको देखिए जो हमने सेव्ड आईसीटी आईडी, आपको सिर्फ अपनी आईसीटी की आईडी डालनी है और सेव कर देना। तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा कि आपकी आईडी सेव हो चुकी है। उसके बाद यदि आपके पास आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट आईसीटी अकाउंट बना सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं आईडी को, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं यदि आप भूल गए हैं तो। यदि नहीं तो आप सिंपली ऊपर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको आप जो नीचे ऑप्शन है उसके बाद आता है सेव्ड पैसेंजर का, सिंपली आपको ऐड पैसेंजर पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद पैसेंजर की पूरी डिटेल डालनी है कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर क्या है। मेल पर सिंपली सेलेक्ट कर, मेल है तो फीमेल है तो अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ गोला किया हुआ है। मेल पर सेलेक्ट करेंगे, नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे और इंडिया आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है और ऐड कर देंगे। जैसे हम ऐड कर देते तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, हमारा जो पैसेंजर है ऐड हो गया है। अब आपको सिंपली क्या करना होगा, अपनी रेलवे टिकट बुक करनी है, रेल टिकट रेलवे रेल चेक करनी है कि कौन सी टाइम में कितने जाएगी। सिंपली होम पे आ जाना है। जैसे हम होम पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टिक किया हुआ, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो अपना स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है सर्च करके। ये जो स्टेशन ऊपर वाला है यहाँ से आप जाएंगे और जहाँ आपको जाना पहुँचना है, आप देख सकते हैं नीचे का ऑप्शन है, जैसे नई दिल्ली से हम पटना जाना चाहते हैं, दोनों ही सेलेक्ट कर लिए अलग अलग। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी होगी कौन सी डेट को आप जाना चाहते हैं। यदि आप टूडे जाना चाहते हैं तो आज ही जाना चाहते हैं टूडे पर सेलेक्ट करेंगे, कल जाना चाहते हैं तो टमारो पर करेंगे, डे आफ्टर पर जाना था डे आफ्टर पर सेलेक्ट कर देंगे। यदि आपको थोड़ा सा आगे की डेट में जाना, सिंपली इस कैलेंडर पर सेलेक्ट कर लेना है और अपनी डेट सेलेक्ट कर, जैसे हमने 28 सितंबर सेलेक्ट कर ली, इस पर सेलेक्ट करके उसके बाद हमने ट्रेन सर्च कर लेनी है। जैसे हम सर्च कर लेते हैं तो टोटल ट्रेन उस डेट की आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर डेट अलग अलग है, देखिए 29-30 एक से अक्टूबर ये भी है, इस पर भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो। तो सिंपली हमने टिकट मिल चुकी है तो सिंपली इसे ट्रेन के बी जी के टी क्यू एक्सप्रेस सिंपली इस पर सेलेक्ट कर देना इस ऑप्शन पर, तो आपको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये हमें देखने को मिल गई है। जनरल बुक कर सकते हैं, आप लेडीज़ का कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं। जनरल में आप देख सकते हैं स्लीपर है, एसी टीयर, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल पर सेलेक्ट करेंगे, जनरल मतलब पुरुष होते हैं। स्लीपर लेना चाहते हैं स्लीपर सेलेक्ट करेंगे और बुक के ऑप्शन पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें तत्काल यदि आपको बुक करना है तो आप एक दिन पहले आप बुक कर सकते हैं या फिर उसी दिन आप बुक कर सकते हैं, तभी आपकी तत्काल बुक होगी, अन्यथा ये काम नहीं करता है। तत्काल मतलब तुरंत होती है, सेम टू सेम टाइम सेम डेज। उसके बाद आप देख सकते हैं बुक के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आप अपना स्टेशन यदि गलती से ले लिया तो इसे चेंज कर देंगे। उसके बाद जो जो आपने पैसेंजर ऐड किया था चूज के, उसमें सेलेक्ट करके आप इसे ले सकते हैं, अन्यथा आप मैनुअल भी भर सकते हैं कोई दूसरा पैसेंजर, तो मेल पर सेलेक्ट करना, नाम वगैरह आप डाल सकते हैं। जैसे हमने चूज के ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो टोटल ऑप्शन आप जो सेव किया गया पैसेंजर ये आ जाता है, इस पर सेलेक्ट कर देना है।
जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो टोटल डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद सेव के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐड चाइल्ड, यदि चाइल्ड 0 से 4 ईयर्स का तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, और 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो ऐड अडल्ट पर करेंगे। उसके बाद आपको सेव कर देना है। जैसे हम सेव कर देते हैं तो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अपनी ईमेल आईडी आपको ज़रूर डालनी, क्योंकि जो कंफर्मेशन आपको मिलेगी मोबाइल नंबर पर मिलेगी और ईमेल आईडी पर भी मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो आपको टिकट मिलेगी उसे आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पेमेंट करने के बाद सीधा ICT की वेबसाइट में चले जाएंगे और अपना पासवर्ड डालकर आप पैसा ले लेंगे। अब नीचे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें एक फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन जहाँ गोला किया हुआ है, नोट आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन। मान लीजिए आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको केवल 99 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और आपका कोई फीस नहीं लगी, 505 रुपये पूरे रिफंड हो जाएंगे। यदि आप जाना ही चाहते हैं कन्फर्म है तो नो आई डोंट वांट कैंसिलेशन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पेमेंट सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन आ जाता है, अवेलेबल फ्री कैंसिलेशन। यदि कैंसिलेशन को यस करेंगे तो 99 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे और अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा। यदि आप नहीं करना चाहते तो आप यस क्यों करेंगे, इसलिए नो के ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं तो आपके सामने पेमेंट का गेटवे आ जाता है, इसमें आपको पेमेंट करनी होगी। आप देख सकते हैं 556 रुपये की पेमेंट है, गूगल पे या ऑनलाइन कैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी ऑप्शन, फ़ोन पे सेलेक्ट कर लिया तो आप टोटल कन्फर्म टिकट में सोल्यूशन में चले जाते हैं। यहाँ से आपको सेंड करने जाएँ, ये जो पैसा है आपकी कन्फर्म टिकट ऑनलाइन सोल्यूशन के पास चला जाएगा। जैसे ही ये पैसा जाएगा तो ICT को आपको ऑटोमेटिकली ICT की जो वेबसाइट में चले जाएंगे, वहाँ जो आपने ID डाली थी अपनी रेलवे की, जो अकाउंट डाला था उसकी पासवर्ड डालना है, ओके कर देना है तो आपकी टिकट बन जाएगी और कन्फर्मेशन आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा और ईमेल आईडी पर भी आएगा। इस प्रकार से आपको टोटल प्रोसेस कर लेना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लग गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।